हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी कढ़ी की रेसिपी लाई हूँ और बहुत ही क्रिस्पी है, बिना पकोड़े के बना है, कम तेल में बनी हुई रेसिपी है। इसके लिए हमने एक पाव भिंडी लिया है और जिसमें हमने रोस्ट जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून डाला है, स्वाद अनुसार नमक और हाफ टेबल स्पून मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी 1/4 ऑफ द टेबल स्पून, हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून यानी जितना हमें बेसन की ज़रूरत होगी उतना हम बेसन इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद अच्छे से हम इन्हें मिला लेंगे। मिलाते समय मैंने देखा कि 2 चम्मच कम लग रहा है, तब हाफ टेबल स्पून और डाला। इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है जितना आप भिंडी लिए हों, 200 ग्राम भिंडी है तो उसी हिसाब से हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाला है और इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसका रेड कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दे रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा तो आप, और ज़रूरत हो 1 से 2 चम्मच आप बेसन ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा चिपचिपापन कम हो। वैसे तो भिंडी काफ़ी चिपचिपी और लिसलिसी होती ही है। देखिए, हमने 3/4 कप मट्ठा डाला है और उसके अंदर हमने 1 ग्लास पानी डाला है, 4 चम्मच बेसन और नमक डाला है। अब हम एक एक करते, अलग करते हुए अपने भिंडी को गरम तेल जब हो जाए तब डालकर तल लेंगे। 1 मिनट तक आपको बिल्कुल नहीं चलाना है। 1 मिनट बाद आप इसे रेगुलर रोटेट करते हुए फटाफट निकाल लीजिए। 2 बंच में हमने पूरी भिंडी तली है। भिंडी हमारी क्रिस्पी हो गई है। तेल थोड़ा सा हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है। 3-4 मैंने लौंग डाली है, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि बेसन और दही में हमने हल्दी नहीं डाली थी, करी पत्ते और 2-3 मिर्च, इन्हें हम डालकर अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम अपने बेसन और मट्ठे जो घुले हुए हैं, आँच को कम कर दीजिएगा नहीं तो दही फट जाएगी, मिक्स कर देंगे। उसके बाद 1/2 ग्लास हम पानी डाल देंगे और इसे चला लेंगे ताकि मसाले और जो हमारी हल्दी है आपस में मिक्स हो जाए। इसे थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल होने लगे तब हमें इसकी फ्लेम थोड़ी कम कर देनी है और इसे 4-5 से 6 मिनट पका लेना है ताकि बेसन अच्छे से पक जाए। अगर आपकी कढ़ी में बॉयल आने लगे और आप इसे आँच तेज़ रखेंगे तो आपकी कढ़ी बॉयल होकर ऊपर की तरफ गिर भी सकती है, इसलिए आँच को तुरंत स्लो कर दीजिए और थोड़ा सा चलाते रहिए ताकि जो मसाले हमने डाले वो मिक्स हो सके और अपनी ऑयल रिलीज़ कर सके। फिर इसमें हम अपनी कुरकुरी भिंडी डालेंगे। पर ध्यान रखिएगा, कढ़ी जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए या आपको कढ़ी जब परोसनी हो तब आप भिंडी डालेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी भिंडी रहेगी और बहुत ही टेस्टी स्वाद आएगा। अगर आप पहले डाल देंगे एकदम गर्म कढ़ी में तो ये इसका स्वाद कम हो जाएगा, इसलिए हम बाद में इसमें अपनी भिंडी डालेंगे। थोड़ा सा अगर आप तड़का उसी समय 1 चम्मच निकाल लें तो ऊपर से तड़का भी डाल सकते हैं। हींग मैंने मट्ठे जब घोला था तब उसमें डाल दिया था, आपको बताना शायद भूल गई थी। इसके ऊपर हमने पुदीना डाला है, आप चाहें तो इस पे धनिया ड्रिजल कर सकते हैं।